सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जो भी ये वीडियो देखने आया है पहले ही सावधान हो जाओ, स्पॉइलर अलर्ट, मांगा चैप्टर के स्पॉइलर होने वाले हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो का डिमांड किया है अमित सिंह ने। अब देखो, ये कमेंट आया था कल और मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। ये जान के कुछ लोग कमेंट में गालियां देना शुरू मत कर देना, क्योंकि यार समझो थोड़ा, ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसके बारे में मुझे रिसर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं अपना ओपिनियन देके फटाफट बना सकता हूँ, और जो लोग महीनों से जो है डिमांड करके रखे उनके वीडियो पे काम चल रहा है, उनके बारे में रिसर्च वगैरह चल रहा है, क्योंकि मैं कहीं से जाकर के उठा के रेडिट वगैरह से छाप के नहीं बना देता हूँ। और हाँ, जिस किसी को भी लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो उससे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है जब मैं मांगा चैप्टर का प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर स्पॉइलर पे वीडियो बनाता हूँ, फिर मांगा चैप्टर का रिव्यू करता हूँ, उन लोगों को लगता है कि मेरे पास कंटेंट का कमी है, मैं वीडियोस नहीं बना सकता, दूसरे टॉपिक पे मतलब वन पीस पे मुझे कंटेंट नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं इस टाइप का काम करता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं एक्चुअली जिस पे ज़्यादा व्यूज आएगा, हॉट टॉपिक जो चीज़ रहता है, मैं उसको पकड़ने का ज़्यादा ट्राई करता हूँ। और बाकी टाइम पे जब कोई स्पॉयलर नहीं आता या फिर चैप्टर का ब्रेक रहता, उस वक्त मैं कोई थ्योरी वगैरह, कोई नया चीज़, ऐसी चीज़ें लाने का ट्राई करता हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या किसी ने मेरा वन पीस VR ओपनिंग वाला वीडियो देखा है? मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने नहीं देखा, और बहुतों ने देखा है। वो वाला वीडियो मुझे रिसर्च करने में अराउंड 1 महीना लग गया था, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ना, जाके यूट्यूब पे खोज लो साला, तुमको कोई भी यूट्यूबर, इवन की फॉरेन हो, इंडियन हो, किसी ने नहीं बनाया है। खैर, यही था मेरा हेटर्स को जवाब, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में 4 पॉइंट्स होने वाला है। पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा लूफी के करंट पावर को लेके। सेकंड, लूफी का गियर 5 आएगा या नहीं आएगा। थर्ड, लूफी वानों के बाद कितना स्ट्रांग होगा। फोर्थ, फाइनल में मैं बात करूंगा लूफी सीरीज के एंड में कितना स्ट्रांग बनेगा। चलो यार, सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा लूफी के करंट पावर को लेके। अगर हम मांगा के हिसाब से जाएं, तो मांगा में लूफी योंको क्लैश करना सीख चुका है। हाँ हाँ, वही क्लैश जब दो योंको आपस में टकराते हैं तो ऊपर बादल फटने लगता है। अब सवाल ये उठता है, क्या लूफी योंको लेवल बन चुका है? देखो, कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से लूफी अभी योंको जितना स्ट्रांग नहीं हुआ है। जिस किसी को भी इस पे डाउट है, जाके मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, तुमको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। खैर, अगर हम लोग अभी बात करें कि लूफी के पास कौन कौन सी पावर है, तो सही बात बोलूं तो लूफी अभी तीनों टाइप ऑफ हाकी को एडवांस फॉर्म में यूज करना सीख चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है पहले से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ू, लूफी का गियर 5 आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, देखो लूफी जब काइडो के साथ क्लैश करता है, योंको क्लैश, दोनों का जो कॉन्करर हाकी वाला कोटिंग के साथ दोनों का फाइट होता है, तो ऊपर बादल फट जाता है, और उस वक्त लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म में रहता है, काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में रहता है, और इन दोनों का फाइट का क्लैश वहीं पर हमें पता चल जाता है। बट अगर हम लोग वहां ध्यान से देखें, तो लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म में था, ना ही गियर 2 में था, ना ही गियर 3 में था, ना ही गियर 4 के बाउंस मैन, टैंक मैन या स्नेक मैन में था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लूफी का अभी कॉन्करर हाकी कोटिंग वाला फॉर्म आना बाकी है। अब वो क्या गियर 5 हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कोई नया फॉर्म हो, क्योंकि गियर 5 अगर होगा तो हो सकता है वो आर्मामेंट हाकी कोटिंग वाला हो, या फिर हमें फ्यूचर में कभी भी गियर 5 नहीं दिखाया जाए। बिकॉज अभी जो भी हमें लूफी का फॉर्म दिखेगा नया वाला, अगर आता है तो उसमें वो कॉन्करर हाकी कोटिंग करके ही फाइट करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ गियर 4 की, तो गियर 4 में वो ज़्यादातर आर्मामेंट हाकी को यूज़ करता है, चाहे वो स्नेक मैन हो या टैंक मैन हो या बाउंस मैन हो। लेकिन तुम सब अच्छे से जानते हो कि काइडो के खिलाफ किसी भी तरह का आर्मामेंट हाकी काम नहीं करता, क्योंकि उसका स्किन इतना ज़्यादा मोटा है, ऊपर से वो कॉन्करर हाकी कोटिंग करके फाइट करता है, प्लस वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक ही रास्ता निकलता है कि अगर तुमको काइडो को डैमेज करना या फिर काइडो को हराना है, तो तुमको कॉन्करर हाकी कोटिंग करके ही फाइट करना पड़ेगा, तभी तुम काइडो को डैमेज कर सकते हो और काइडो को भी मजा आएगा वैसा फाइट करने में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लूफी वानो के बाद कितना स्ट्रांग होगा। देखो यार, अगर तुमने मेरा पहला पॉइंट देखा, तो वहां पर मैंने बोला है कि लूफी एक योंको जितना स्ट्रांग नहीं हुआ है। अगर लूफी काइडो को अभी हराता भी है, तो भी हम लोग नहीं कहेंगे कि लूफी काइडो जितना स्ट्रांग है, बिकॉज काइडो से पहले बहुत सारे लोग आकर के उसे फाइट किए हैं। आकाजाया 9 को उसने हराया, फिर वर्स्ट जनरेशन, फिर यामाटो, भाई लूफी को तो मार के समुंदर में फेंक दिया था, और उसके बाद फिर दोबारा लूफी आके उससे 1v1 फाइट कर रहा है।
अब काइडो अपने वीक फॉर्म में एक तरह से कह लो काइडो क्योंकि थक चुका है। तो यहाँ पे तुम एक बात बताओ, क्या लूफी काइडो जितना स्ट्रांग होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि फ्रेश फॉर्म में काइडो लूफी को हरा ही देगा। अगर तुमने लूफी वर्सेस काटाकुरी का फाइट देखा होगा तो वहां पर जिसने भी फाइट देखा हो, और ये बात लूफी को भी मालूम है, भले वर्ल्ड गवर्नमेंट या मॉर्गन ने जो भी पेपर में लिख दिया या फिर बाकी बिग मॉम के बच्चे जो भी सोचते हैं, लेकिन लूफी भी ये बात जानता है, तुम भी ये बात जानते हो, और काटाकुरी भी ये बात जानता है कि वहां पर लूफी ने काटाकुरी को हराया नहीं था, काटाकुरी ने बेसिकली उसको जाने दिया था। लेकिन जब वानो का स्टार्टिंग हुआ तो वहां पर हमें साफ साफ दिख गया कि लूफी अब स्ट्रांग बन चुका है, हो सकता है वो काटाकुरी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हो। तो इसी वजह से मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है जब नया आर्क हमें देखने को मिले तो वहां पर हमें ऐसा देखने को लगे कि लूफी काइडो से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। नंबर 4 लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा, लूफी सीरीज के एंड में कितना स्ट्रांग होगा। देखो अगर तुम ध्यान से मेरी बातों सुनो और तुम अच्छे से अगर वन पीस देखे हो तो तुमको अच्छे से मालूम है कि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट बाकी है, प्लस ब्लैक बियर्ड भी बचा हुआ है जिसके पास दो दो ऐसे डेविल फ्रूट हैं जो अपने कैटेगरी के सबसे स्ट्रांगेस्ट माने जाते हैं, ट्रिमर फ्रूट और डार्क फ्रूट, जापानीज में बोल देते हैं गुरा गुरा नोमी और यामी यामी नोमी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लूफी इस आर्क में अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग दिखा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि लूफी इस आर्क में अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस आर्क में बहुत सारी चीजें, न्यू चीजें एडवांस फॉर्म में देखने को मिल चुकी है, चाहे वो आर्मामेंट हाकी का एडवांस फॉर्म हो या फिर कॉन्करर हाकी का एडवांस फॉर्म हो। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि लूफी यहाँ पर अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग करता हुआ नजर आए। अगर आ जाता है तो सही में यार ओडा हमें गलत फिर से साबित कर देगा। जहां तक मुझे लगता है जब ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी का फाइट होगा, अगर फ्यूचर में होता है, तो वहां पर लूफी अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग करे। एट द एंड यहां पे सवाल का जवाब तो तुम लोग को मिला नहीं है कि लूफी सीरीज के एंड में कितना स्ट्रांग होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन लूफी शायद गोल्डी रॉजर जितना स्ट्रांग हो जाए। अब जिस किसी को भी लगता कि गोल्डी रॉजर वीक था, भाई गोल्डी रॉजर वाइड बियर्ड के लेवल का था, वो दोनों का पावर लेवल सेम था। इवन कि एनिमे और मांगा में ऐसा बोला जाता है कि वाइड बियर्ड ही केपेबल था रॉजर के साथ नेक टू नेक फाइट करने का। तो हो सकता है कि लूफी आगे जाके इनके लेवल का स्ट्रांग बन जाए। खैर बेसिकली ये जो कुछ भी मैंने बोला ये सब मेरा ओपिनियन था, हो सकता है फ्यूचर में ये सब चीजें चेंज हो जाए, लूफी इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए या फिर इनसे वीक ही रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट वन पीस के स्टोरी ऐसा, वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसा, ऐसी चीजें हैं, ये मेरा फेवरेट एनिमे है और इस पे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। और हाँ एक और चीज मैं बता दूं, अब से जो है वीडियोस ना रोज आएंगी। और हाँ मांगा चैप्टर का रिव्यू चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि यार कल जो मांगा चैप्टर आएगा ना मैं उस पर रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। मांगा चैप्टर का रिव्यू सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ऑफिशियल चैप्टर पे कितना व्यूज आता है। खैर एट द एंड जो भी हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक मारना। अगर तुमने सैंक्स के पिटीशन पे साइन नहीं किया, वन पीस मूवी रेड को इंडिया में लाने के लिए अपना मतदान नहीं दिया, तो जाओ जाके वोट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में तुमको उसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर तुम घूमते फिरते अगर तुम मेरे इस चैनल पे आ गए हो और तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे वन पीस के वीडियोस लाते रहता हूँ जिसमें तुम लोग देख के इंजॉय करोगे। तो खैर यार यहीं तक था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।